वेलकम टू दोस्तों, स्वागत है आपका एचएस टेक चैनल में। इस चैनल में आज हम आपके लिए लेकर आए एक बेहतरीन वीडियो। जैसे आप कंप्यूटर पर इंटरनेट की स्पीड को टेस्ट कर लेते हैं, उसी तरह से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव का स्पीड टेस्ट करने के लिए एक बेहतरीन कमांड। एक सिंगल कमांड से आप चेक कर सकते हैं कि कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव कितनी स्पीड पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के माई कंप्यूटर पे जाना है और वहाँ पर एक ऑप्शन होता है डिस्क मैनेजमेंट। वहाँ जाकर आपको ये चेक करना है कि आपके कंप्यूटर में कितनी हार्ड ड्राइवें लगी हुई हैं। आप डिस्क कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, मैनेज ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको डिस्क मैनेजमेंट। अभी दिखा देते हैं, ये विंडोज आपके सामने खुलेगी, ऑप्शन चूज करना है आपने डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको कंप्यूटर के कितने पार्टीशन बने हुए, कितनी हार्ड ड्राइव लगी हुई है तो दिखा दे दोस्तों। आपको यहाँ पर डिस्क जीरो और डिस्क वन लगा हुआ है। जो मेरा डिस्क वन है ये मेरा एसएसडी हार्ड ड्राइव है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस हार्ड ड्राइव में सपोर्टिंग और बैकएंड पार्टीशन बने हुए हैं, केवल एक पार्टीशन फिजिकल बना हुआ है ओएस के लिए, सी ड्राइव। जितने भी एसएसडी हम कंप्यूटर में लगाते हैं उसको ओएस के लिए यूज करते हैं, तो सी ड्राइव जो है वो हमारा डिस्क वन का एसएसडी के लिए है। और दूसरे पार्टीशन है डी और एफ। जो मेरा 1 TB यानी कि 931 GB समथिंग दिख रहा है, जो मेरा 1 TB हार्ड ड्राइव है वो है डी और एफ। तो अभी हम सी का स्पीड टेस्ट करके दिखाएंगे आपको, फिर डी का करके दिखाएंगे और फिर एफ का। डी और एफ का सेम स्पीड आएगा क्योंकि ये एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव है और ये मेरी एसएसडी है, एसएसडी का ज़्यादा आएगा। परंतु अभी तक हमें कोई भी ऐसा मेथड नहीं पता, एक सिंगल कमांड आज आपको इस वीडियो में बताएंगे जिससे आप हार्ड ड्राइव का स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। कैसे चलानी है कमांड, सर्च में जाना है, आपको CMD लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के लिए। यहाँ पर आने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और इसको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पावर के साथ स्टार्ट कर लेना है। यस और नो पूछेगा, यस कर देना है। यह प्रॉम्प्ट आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक कमांड टाइप करनी है, win sat space disk। कंफ्यूज ना हो, ये कमांड हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। देन ड्राइव, देन पार्टीशन क्या है, PARTITION पार्टीशन अंडरस्कोर लेटर। इसके बाद आपको वो पार्टीशन जिसको आप स्कैन करना चाहते हैं वो देखिए। हमारे पास SSD हार्ड ड्राइव का पार्टीशन क्या था, सी ड्राइव, और दूसरी वाली हार्ड ड्राइव की क्या था, डी और एफ। दिखा देते हैं दोबारा से कैसे चेक किए थे हमने। माई कंप्यूटर पे दिस कंप्यूटर, शो मोर ऑप्शन और फिर मैनेज। जैसे मैनेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा डिस्क मैनेजमेंट। आपको डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, आपको हार्ड ड्राइव दिखाई देगी और उसके पार्टीशन लेवल दिखाई देंगे। ये मेरी SSD है 500 GB की, इसमें सी ड्राइव है और ये डी और एफ, तो सी डी एफ। अभी हम इस कमांड में एक लेटर देंगे सी ड्राइव, तो ये अपने आप टेस्ट करके आपको ड्राइव की स्पीड बता देगा। ये भी टेस्टिंग कर रहा है और स्पीड अभी आपके सामने इसी कमांड के जरिए दिखाई देगी। ये देखिए दोस्तों, ये स्पीड इसने दिखाई दे दी है। ये रीडिंग स्पीड है, डिस्क सिक्वेंस रीडिंग एंड राइटिंग स्पीड आप देख सकते हैं, 1328 MB प्रति सेकेंड ये हार्ड डिस्क रीड कर रही है और 266 MB प्रति सेकेंड ये हार्ड ड्राइव डेटा को राइट कर रही है। दोबारा चलाकर देख लीजिए कमांड। और ये आपको बता दें दोस्तों, ये मेरी SSD ड्राइव का स्पीड आ रहा है। इसके जरिए OS भी चल रहा है और हार्ड डिस्क का स्पीड भी चेक हो रहा है। दोबारा से देख सकते हैं दोस्तों, दोबारा इसने टेस्ट किया है और ये स्पीड आ रही है 1391.45 MB प्रति सेकंड और 270 MB राइटिंग स्पीड। इसी तरह अगर हम ये तो SSD ड्राइव थी, अभी डी ड्राइव का चेक करते हैं जो मेरी नॉर्मल हार्ड ड्राइव का पार्टीशन है, तो देखते हैं पार्टीशन स्पीड कितना निकल के आता है। इसमें एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगी होती है, हर आजकल लेटेस्ट कंप्यूटरों में एक SSD लगी होती है। SSD के तुलना नॉर्मल कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव का जो पार्टीशन साइज है वो स्पीड होता है वो कम होता है, और इसका पार्टीशन साइज का जो स्पीड है वो ज़्यादा होता है। तो आपको दिखा दें, इस पर थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि नॉर्मल हार्ड ड्राइव है। आपके सामने भी रिजल्ट आएगा
लाइव वीडियो में लाइव कमांड लगा के आपको टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं, एक सिंगल कमांड जिससे आप अपनी सभी पार्टीशन को चेक कर सकते हैं। इसी वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे चेक करेंगे कितनी हार्ड ड्राइव लगी है और कितने उसके पार्टीशन लेवल बने हुए हैं। देखिए सर दोस्तों कितनी स्पीड का फर्क है, ये मेरी नॉर्मल हार्ड ड्राइव है, ये 124 MB प्रति सेकंड में डेटा को रीड कर रही है और 148 पर राइट कर रही है, जबकि यहाँ स्पीड कितना है, कहीं ज़्यादा है दोस्तों। इसीलिए कंप्यूटरों में SSD ड्राइव लगानी पड़ती है विंडो 10 और विंडो 11 चलाने के लिए। तो दोस्तों एक सिंगल कमांड, ये कमांड हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक एंड शेयर करें। और भी वीडियोस हमारे इस चैनल पे आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे वीडियोस टेक्निकल वीडियोस पड़े हैं। तो तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।